आज हमें क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्वेल्थ एग्ज़ाम के लिए जो अभी 2023 में होने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर जो है NPO उसका टॉपिक है, और जो सब्सक्रिप्शन निकलता है उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में आपको दो डेट दिया रहेगा, एक दिया रहेगा 1 अप्रैल 2014 और एक डेट दिया रहेगा 31 मार्च 2015 या फिर ये कैलेंडर ईयर भी हो सकते हैं, तो मैं भी फाइनेंशियल ईयर लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और क्वेश्चन में लिखा रहेगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। अमाउंट दिया रहेगा, जैसे मैं ले लेता हूँ कि अमाउंट कितना है 14,500 और दूसरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 13,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 7,800 और इधर दिया हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन 7,200। और इसके बाद क्वेश्चन में फिर नीचे लिखेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और वो अमाउंट मान लो आपको दिया है 49,900। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि ये जो आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है ये वाला पॉइंट, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से निकल के आते हैं। कौन से अकाउंट से? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और ये सारे आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन होते हैं जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एडजस्टेड नहीं होते हैं, कुछ होते हैं बाकी नहीं होते हैं। तो आपको अमाउंट फाइंड करना है कि सब्सक्रिप्शन कितना एक्रूड हुआ जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो कुछ नहीं करना होता है, एक आप फॉर्मेट लगा लीजिए पर्टिकुलर्स और लगा लीजिए अमाउंट। इसके बाद सबसे पहले जो आपको लिखना है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लिखना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना मिला। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला वो मिला 49,900। इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा, वैसा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमारे करेंट ईयर से रिलेटेड है, मतलब 31 मार्च 15 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 14 और 15, जो 14-15 से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है जो बाकी है, जो भी हमको मिलने वाले थे बट अभी तक मिले नहीं है, उसे हमें ऐड करना होगा। और वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट क्वेश्चन में मैं एक बार लिख चुका हूँ, फिर एक बार बता दे रहा हूँ, 13,000। फिर हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को जो है माइनस कर देते हैं उस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को जो 1/4/2014 को बाकी था, मतलब पिछले साल का। तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडजस्ट हुआ होगा, तो उस अमाउंट को हमें माइनस करना है, तो वो अमाउंट हमारा है 14,500। उसी तरह फिर आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन को प्लस करना है उस एडवांस सब्सक्रिप्शन को जो पीछे वाले साल में हम रिसीव कर चुके हैं 1/4/14 को। अब मान लीजिए कि आप पिछले साल कुछ पैसा ले लिया वो एडवांस है, मतलब वो 15 से रिलेटेड है, तो जब 15 का साल आ जाएगा तो आपको 15 के साल में दिखाने होंगे कि आपने 14 में पैसा लिया था लेकिन वो पैसा 15 से रिलेटेड है, तो 15 के जब साल आ गए तो 15 में हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो अमाउंट हमारा है 7,800 रुपये का। उसी तरह हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन माइनस करना होगा, हम उस एडवांस सब्सक्रिप्शन को माइनस करेंगे जो 31 मार्च 15 को लिए हैं लेकिन जो 15 और 16 से रिलेटेड है, क्योंकि हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब जो हम सब्सक्रिप्शन निकाल रहे हैं वो हम 14 और 15 साल के लिए निकाल रहे हैं कि 14 और 15 वाले साल में ये जाए, तो वो जो अमाउंट था हमारा वो अमाउंट थे हमारे 7,200 का, उसे लेस कर देंगे। फिर लेस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका सब्सक्रिप्शन अक्रूड माना जाएगा जो 14 और 15 वाले साल से रिलेटेड होंगे और इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे।
49,900 में हम प्लस करेंगे 13,000, फिर हम प्लस कर लेते हैं 7,800, टोटल में हम माइनस कर लेते हैं 14,500, फिर माइनस कर लेते हैं 7,200, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है 49,000। तो बच्चों इस तरह बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, छोटी क्वेश्चन है, इजीली चार नंबर आपको मिल जाएंगे। पर ये क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर से पक्का पूछा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछे या ना पूछे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को अगर आप एक बार देखेंगे तो अच्छे से देख लें। क्वेश्चन में आप रियली में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं वो 31 मार्च 15 को एंड पे निकाल रहे हैं, मतलब 14 और 15 वाले साल के लिए निकाल रहे हैं। ये वाला जो डेट दिया हुआ है ये प्रीवियस ईयर 13 और 14 से रिलेटेड है। तो यही समझाऊं तो जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है उसे प्लस करते हैं और प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन माइनस करते हैं। इसका उल्टा होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो हमारा प्रीवियस ईयर का होता है उसे प्लस करते हैं, जो करंट ईयर का होता है उसे माइनस करते हैं। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, जो हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए क्या होता है, एक तरह से एसेट्स होते हैं। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है वो पीछे वाले साल के लिए एसेट्स है, लेकिन इस साल 14 और 15 में वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं, वो हमारे किसी पार्ट से रिलेटेड नहीं है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पीछे साल का जो एडवांस हमें मिला था तो इस साल हमारे लिए इनकम बन जाएंगे, क्योंकि हम भले उसे हम ले चुके हैं 13 और 14 में, लेकिन वो रिलेटेड किससे है, 14 और 15 से। तो ये क्वेश्चन इस तरह ही समाप्त होता है और इसके आंसर आता है 49,000। थैंक यू। Thank you.